नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर कार्यालय में जल जीवन मिशन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, बागली विधायक मुरली भवरा सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बागली विधायक द्वारा नल जल योजना के तहत चल रहे कार्यो को ठेकेदारों द्वारा की जा रही लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। बागली विधायक मुरली भवरा ने कहा कि योजना के तहत बागली विकासखंड में कई कार्य किए जा रहे हैं जिनमें ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ रही है। क्षेत्र में जिस तरह से जल नल योजना में ठेकेदारों द्वारा काम किया जा रहा है उसका अवलोकन किया गया है, उसमें कोई लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर कलेक्टर से चर्चा की गई है। यदि आगे भी ठेकेदारों की नल जल योजना के कार्यों में लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कराई जाएगी। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक घर स्वच्छ जल पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हो। देवास जिले की बागली जो विधानसभा है वो आदिवासी विधानसभा है। आदिवासी जो समाज है उसकी मूलभूत आवश्यकता है जल। अभी मैंने कुछ अवलोकन किए हैं उस क्षेत्र के और पाया कि वहाँ के जो ठेकेदार है, एक तो लापरवाही की वजह से उनके रूप में काम कर रहे हैं, दूसरा जो ग्रामीण जन है जब उनको इन योजनाओं को पूरा करने का कहते हैं तो उनके खिलाफ अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। मैंने कलेक्टर के समक्ष सभी ठेकेदारों से कहा है या तो आप अपना काम पूरा करिए और इस प्रकार की यदि घटना बागली विधानसभा क्षेत्र के किसी भी नागरिकों के खिलाफ आप लोग करते हैं तो डायरेक्ट आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। और मैं निश्चित रूप से जो ठेकेदार इस प्रकार की लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।